हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर सूट फाइल करता है या दावा करता है तो माननीय न्यायालय उस व्यक्ति को अपना रिटर्न स्टेटमेंट पेश करने का मौका देती है। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, ये कितनी अवधि में पेश किया जाना चाहिए, किस प्रकार रिटर्न स्टेटमेंट को ड्राफ्ट किया जाना चाहिए, किस प्रकार वादोत्तर या रिटर्न स्टेटमेंट के कंटेंट्स क्या होने चाहिए, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहता है कि रिटर्न स्टेटमेंट शुड बी फाइल्ड विद इन 30 डेज आफ्टर रिसीविंग ऑफ द नोटिस। इसका प्रोविजो कहता है कि यदि 30 डेज में किसी कारणवश कोई स्ट्रांग रीजन है और आप नहीं कर पाते हैं अपना प्रतिउत्तर या लिखित अभिकथन या रिटर्न स्टेटमेंट वादोत्तर, तो आप अधिकतम 90 दिन की समय अवधि में पेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके जजमेंट्स जो लेटेस्ट हैं उसके बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि वादोत्तर या रिटर्न स्टेटमेंट किस तरह से ड्राफ्ट करके कोर्ट में पेश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले प्लेंट का पूरा अध्ययन करना चाहिए और इन पॉइंट्स को नोट करना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स को हम स्वीकार करते हैं, एडमिट करते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स को डिनाई करते हैं, या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पूरी तरह झूठे लिखे गए हैं जिनको हम स्पेसिफिक डिनाई करते हैं। और हमें यह भी तय करना चाहिए कि वो कौन से विशेष अभिकथन या स्पेशल प्ली या नए फैक्ट्स हैं जो कि हम रिटर्न स्टेटमेंट के माध्यम से ऑनरेबल कोर्ट के सामने लाना चाहते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट बड़ी सावधानी से ड्राफ्ट करना चाहिए। सबसे पहले माननीय न्यायालय का शीर्षक लिखना चाहिए, फिर वाद का क्रमांक लिखना चाहिए, उसके बाद प्लेंट में जो टाइटल है केस का या सूट का जो टाइटल है वो टाइटल एज इट इज रिटर्न स्टेटमेंट में लिखना चाहिए। उसके बाद हम वादोत्तर शीर्षक ले सकते हैं, वादोत्तर अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता। उसके बाद वाद पत्र के प्रत्येक पैरा का स्पेसिफिक जवाब देना चाहिए, जिन जिन अभिवचनों को हम डिनाई कर रहे हैं उनको यह स्पष्ट लिखना चाहिए कि यह अभिवचन झूठे हैं, मिथ्या है, अस्वीकार है। जिन अभिवचनों को वाद पत्र के हम स्वीकार कर रहे हैं उनको यह स्पेसिफिक लिखना चाहिए कि हम इन अभिवचनों को स्वीकार करते हैं। जो वाद पत्र के अभिवचन कुछ गलत लिखे गए हैं और आप सही फैक्ट देना चाहते हैं तो यह स्पेसिफिक लिखना चाहिए कि वाद पत्र के इस पैरा में यह अभिवचन गलत है, बल्कि वास्तविक तथ्य यह है। और अंत में यदि उसमें कोई लीगल डिफेक्ट्स है, जैसे कॉज ऑफ एक्शन कभी अराइज ही नहीं हुआ, तो यह लिखना चाहिए कि प्रतिवादी के विरुद्ध वादी को कोई भी वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। यदि वादी ने गलत जुरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है वाद पत्र, तो यह लिखना चाहिए कि माननीय न्यायालय को वाद पत्र को तय करने की अधिकारिकता या क्षेत्राधिकार या जुरिसडिक्शन नहीं है। यदि कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं दी है तो यह लिखना चाहिए कि यह वाद का मूल्यांकन गलत किया गया है, कोर्ट फीस या न्याय शुल्क कम या गलत अदा किया है, इस कारण से भी ये प्लेंट जो है ये चलने योग्य नहीं है और अस्वीकार किए जाने योग्य है। जो बात अपने विशेष अभिवचनों में प्रतिवादी लिखना चाहता है उनको सारे तथ्यों का वाद पत्र के उत्तर देने के बाद स्पेशल प्ली, स्पेसिफिक प्ली या विशेष अभिवचनों के रूप में लिखना चाहिए। अंत में वाद पत्र को वेरिफिकेशन या सत्यापन करना चाहिए वाद पत्र के सभी अभिवचनों का। वाद पत्र के सभी अभिवचनों का वादोत्तर में सत्यापन करना चाहिए और सत्यापन करने के पश्चात वादोत्तर के प्रत्येक पृष्ठ पर, रिटर्न स्टेटमेंट के प्रत्येक पेज पर प्रतिवादी को हस्ताक्षर करने चाहिए और प्रतिवादी के प्लीडर या एडवोकेट को भी हस्ताक्षर करने चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट्स जिन पर डिफेंडेंट या प्रतिवादी रिलाई करता है वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वह वादोत्तर 30 दिन के अंदर अंदर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए और शपथ पत्र भी साथ में प्रतिवादी को लगाना चाहिए। यद्यपि यह स्पेशल कानून तो नहीं है कि शपथ पत्र, लेकिन सावधानी के रूप में शपथ पत्र को भी वादोत्तर के साथ पेश किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ऑर्डर 8 रूल 1 CPC ये कहता है कि वादोत्तर या रिटर्न स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए और हद से हद यदि कोई विशेष परिस्थितियां हो तो माननीय न्यायालय की इजाजत से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसमें यदि कॉमर्शियल कोर्ट का प्रकरण है तो इसमें एक अमेंडमेंट ये है कि वो 120 दिन तक कॉमर्शियल कोर्ट में वादोत्तर या रिटर्न स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ऑर्डर 8 रूल 2 CPC ये कहता है कि कोई भी नए फैक्ट वो स्पेसिफिकली प्लीडेड होने चाहिए। ऑर्डर 8 रूल 3 CPC ये कहता है कि डिनाइल टू बी स्पेसिफिक, यदि आप कोई भी अभिवचन है उनका स्पेसिफिक डिनाई होना चाहिए। फ्रेंड्स, ऑर्डर 8 रूल 5 ये कहता है कि यदि स्पेसिफिक डिनाइल नहीं है तो वह एडमिशन माना जाएगा या वो फैक्ट्स एडमिटेड माने जाएंगे। फ्रेंड्स, ऑर्डर 8 रूल 6 ये कहता है कि यदि सेट ऑफ है या आप कोई क्लेम कर रहे हैं वादी से तो उसको भी स्पेशल स्पेसिफिक रूप से लिखना चाहिए।
अब फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रिटर्न स्टेटमेंट को 30 डेज में या लीव ऑफ द कोर्ट से 90 डेज में प्रेजेंट करना ही चाहिए, अन्यथा माननीय न्यायालय आपको उसके बाद प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देगी। ये 30 डेज कहने को तो डायरेक्टरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अनुसार ये मैंडेटरी है। अब 30 दिन या कोर्ट के अधिकार से 90 दिन से अधिक समय नहीं दिया जा सकता है, रिटर्न स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। फ्रेंड्स 30 अगस्त 2013 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाल गोपाल महेश्वरी वर्सेस संजीव कुमार गुप्ता में यह तय किया कि प्रतिवादी ने 90 दिन के भीतर जवाबोत्तर प्रस्तुत नहीं किया था, हाई कोर्ट ने उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड पर ले लिया, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा वादोत्तर रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता और ऐसे रिटर्न स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स 7 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया, टाइटल है एटकॉम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वर्सेज वाई ए चूनावाला। इसमें कहा कि रिटर्न स्टेटमेंट इनऑर्डिनेट डिले में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, 90 दिन के पश्चात रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता और उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया। फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने एस सी जी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज के एस चमनकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये कॉमर्शियल कोर्ट से रिलेटेड केस था, इसमें प्रतिवादी ने ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगा दी और वो पेंडिंग रही। तो प्रतिवादी ने वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किया और वह 7 रूल 11 के जजमेंट ऑर्डर का इंतजार करता रहा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों अलग अलग बातें हैं, ऑर्डर 7 रूल 11 के लंबित रहते यह अभिप्राय नहीं है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट मैंडेटरी पीरियड 120 डेज में प्रस्तुत नहीं करेंगे, इसलिए वो रिटर्न स्टेटमेंट को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। फ्रेंड्स एक लेटेस्ट जजमेंट आया 20 जनवरी 2020 को, देशराज वर्सेस बालकिशन। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि प्रतिवादी के एडवोकेट अपीयर नहीं हुए समन प्राप्त होने के बाद और उनका रिटर्न स्टेटमेंट पेश नहीं हो सका, बाद में एप्लीकेशन के साथ रिटर्न स्टेटमेंट पेश किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह इस विशेष परिस्थिति में रिटर्न स्टेटमेंट को ₹25,000 कॉस्ट पर रिकॉर्ड पर ले लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि यह प्रेसिडेंट के रूप में लागू नहीं होगा, यह केवल इस प्रकरण की विशेष परिस्थितियों में लागू होता है। अतः रिटर्न स्टेटमेंट का कानून यह है कि वो 30 दिन में ही प्रस्तुत होना चाहिए और कोर्ट की परमिशन से अधिकतम 90 दिन में पेश हो सकता है, इसके पश्चात रिटर्न स्टेटमेंट की अपॉर्चुनिटी कोर्ट नहीं दे सकती है। इस कारण से वादोत्तर को या रिटर्न स्टेटमेंट को अवधि मध्य पेश किया जाना चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ सारे डॉक्यूमेंट पेश किए जाने चाहिए। यदि आप कोई सेट ऑफ क्लेम कर रहे हैं या काउंटर क्लेम कर रहे हैं तो उसका आप काउंटर क्लेम कर रहे हैं तो उसकी कोर्ट फीस आपको रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लगानी चाहिए, साथ में सपोर्टेड बाय एफिडेविट होना चाहिए, प्लीडिंग्स वेरीफाइड होनी चाहिए, काउंसिल के सिग्नेचर होने चाहिए और अपना संपूर्ण अभिवचनों के साथ अपने प्रतिरक्षा वादोत्तर के रूप में प्रतिवादी या डिफेंडेंट को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।